सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, केंद्रीय राज्य मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री जितेन्द्र प्रसाद जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, लोकसभा कन्नौज के माननीय सांसद श्री सुब्रत पाठक जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री अशोक वाजपेयी जी, स्थानीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, योगेश शुक्ला जी, सभी माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ के उपस्थित भाइयों बहनों, मैं प्रदेश सरकार की ओर से माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का, जो सौभाग्य से सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की समृद्ध विरासत जो लखनऊ को विकास की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं, आज उन्हीं की कर्मभूमि लखनऊ में उन्हीं के प्रयासों से जो परियोजनाएं लखनऊ वासियों को और प्रदेश वासियों को प्राप्त हुई हैं, इसके लिए उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग का सूत्रपात किया है। भाइयों बहनों, 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। 2014 के पहले के भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था, 4 लेन 6 लेन 8 लेन जो सदैव अटल जी ने अपने समय में बना दी, वही आगे बढ़ पा रही थी, नया कोई भी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा था और निर्णय की शिकार सरकार थी या भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो चुका था कि उसने आम जनमानस में एक अविश्वास पैदा कर दिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होगा तो विकास नहीं होगा, विकास नहीं होगा तो रोजगार भी नहीं आगे बढ़ेगा। लेकिन पिछले 9 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा, सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा भारत, आज दुश्मन टेढ़ी निगाहों की तरफ भारत से नहीं, भारत की ओर नहीं देख सकता, और अब तो उत्तर प्रदेश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के यहां पर मेक इन इंडिया की परिकल्पना को साकार करता हुआ लखनऊ में ही जब ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी तो दुश्मन के दांत खट्टा करने के लिए लखनऊ और प्रदेश और देश का जवान फिर से उन दुश्मनों को ठिकाना लगाने का काम करेगा जो भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से देखने का कार्य करेगा। हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा भारत, और रक्षा का क्षेत्र हो, बाह्य सुरक्षा का क्षेत्र हो, आंतरिक सुरक्षा का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, इन सभी के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। और वास्तव में इस परिवर्तन को वाहक आदरणीय प्रधानमंत्री जी की टीम के दो महत्वपूर्ण, जो प्रधानमंत्री जी के महत्वपूर्ण
सहयोगी के रूप में भारत सरकार में अपना सेवा देकर के देश को एक नई पहचान दे रहे हैं, नई भारत को एक नई पहचान दे रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री जी, जनरल वीके सिंह जी, श्री कौशल किशोर जी, इन सभी माननीय केंद्रीय मंत्रियों का मैं राज्य सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 3300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के दो राजमार्गों का लोकार्पण के साथ ही लखनऊ की विकास से जुड़ी हुई परियोजनाओं का भी आज यहां पे, जिसमें लगभग 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लखनऊ के हैं, इसमें मार्ग भी हैं, फ्लाईओवर भी हैं, नगर विकास से जुड़े हुए भी हैं, नगर निगम से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, अन्य अनेक क्षेत्रों से लखनऊ वासियों के जीवन में व्यापक परिवर्तन के जो माध्यम बन सकते हैं। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यही कहना है कि विकास का कोई विकल्प नहीं और यह विकास ही यहां के युवाओं के जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, उनको रोजगार के साथ स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकता है और उसी तर्ज पर आज लखनऊ आगे बढ़ रहा है। अभी हम लोग यहां पे देख रहे थे, किसान यूनियन से जुड़े हुए तमाम हमारे किसान बंधु इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैंने नीरज बोराज से पूछा और योगेश शुक्ला से पूछा, मैंने कहा भाई ये लोग कैसे, उन्होंने कहा वह आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का और आदरणीय गडकरी जी का। मैंने कहा क्यों, कहा क्योंकि सड़क ने, इस हाईवे ने और किसान पथ ने इन्हें अब करोड़पति ही नहीं अरबपति बनाने का काम भी किया है और मंडी की व्यवस्था ने इनके जीवन में और भी परिवर्तन करने का कार्य किया है, उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए वे लोग आज आपको समर्थन देने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, 14 के पहले किसानों की स्थिति क्या हुआ करती थी, वो शोषण का शिकार था, उसको उसकी उपज का दाम नहीं मिलता था, वह प्रकृति से तो परेशान रहता ही था, साथ साथ प्राकृतिक आपदा से तो परेशान रहता ही था, उससे महत्वपूर्ण आपदा उसके सामने सरकारों की अनिर्णय और भ्रष्टाचार के कारण भी था। लेकिन आज पारदर्शी व्यवस्था के कारण उसके जीवन में परिवर्तन हुआ है, किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद मिली है, मंडी की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन का हो या किसानों को मिलने वाला कंपनसेशन समय पे उस तक उसके खाते में सीधे जाने का कार्य आज हम सब सर्वत्र देख सकते हैं। और यह कार्य लखनऊ के अंदर किसान पथ आज जिस रूप में बन रहा है, कोई कल्पना करता था कि नहर के दोनों ओर जिस प्रकार का एलिवेटेड मार्ग बना हुआ है, कोई लखनऊ के अंदर इस प्रकार की कल्पना कर सकता था? नहीं। आज भाइयों बहनों, ये सब कार्य साकार हो रहा है। जो सरदेव अटल जी ने जो सपना लखनऊ के विकास का देखा था, आज माननीय रक्षा मंत्री जी ने उस सपने को साकार करके जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया है और इसके लिए लखनऊ वासी आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपके साथ इन कार्यक्रमों को इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए खुले हृदय से, जिन्होंने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कभी मना नहीं किया, वो लखनऊ का हो, प्रदेश का हो, या मैं देखता हूं देश के अंदर भी हर सांसद जिनके पास जाकर के विकास के इन कार्यों के साथ जुड़ करके अपने यहां विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने में सफल होता है। माननीय गडकरी जी ने विकास के कार्यों को मुक्त हस्त से पैसा देकर के उन कार्यों को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है। आज यहां पर मैं एक बार फिर से अपने दोनों केंद्रीय मंत्रियों का, जिनका मार्गदर्शन यहां पे भी हमें प्राप्त होगा, उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लखनऊ वासियों को, यहां के माननीय विधायकों को, यहां के अन्य माननीय जनप्रतिनिधियों को, महापौर भी हैं, पार्षद भी होंगे, अन्य सभी जनप्रतिनिधियों को भी मैं हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि उनके प्रयास थे, उनकी जो अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं के अनुरूप डबल इंजन सरकार ने उनके सपनों को साकार किया है। आम जनमानस की अपेक्षाओं पर इसी प्रकार से वे खरा उतरते रहे, इस विश्वास के साथ
मैं आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो किसानों को सीधा लाभ मिला है, ये बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई। और आज किसान पथ बन चुका है और आज किसानों की आय दोगुनी हुई है, यानी कि जो वादा बीजेपी ने किया था इलेक्शन से पहले, वो वादा धीरे धीरे करके आप पूरा होने लगा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में क्या कुछ विकास हुआ है पिछले सालों में, उन सभी को एक बार फिर से जनता के सामने रखा। तो एक बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश वासियों को देने जा रहे हैं। तो नितिन गडकरी को भी आप सुनेंगे, जो कि मंच से जनता को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मेरे सहयोगी जनरल वीके सिंह जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी कौशल किशोर जी, आदरणीय मंत्री जितिन प्रसाद जी, असीम अरुण जी, महापौर श्रीमती सुषमा जी, मेरे सहयोगी जनरल वीके सिंह जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी कौशल किशोर जी, आदरणीय मंत्री जितिन प्रसाद जी, असीम अरुण जी, महापौर श्रीमती सुषमा जी, श्री अशोक वाजपेयी जी, श्री सुब्रत पाठक जी, समस्त विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, पिछले बार में जब लखनऊ आया था, बहुत बड़े प्रमाण पर यह आश्वस्त किया था कि हम उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा पूंजी निवेश करेंगे। आज मुझे योगी जी बता रहे थे कि करीब 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आकर यहां नए नए उद्योग शुरू हो रहे हैं। उद्योग जब शुरू होते हैं, इन्वेस्टमेंट जब आती है, तो वो चार बातें महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं। एक है वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो उद्योग आएंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, और उद्योग और इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी, उत्तर प्रदेश सुखी समृद्ध और संपन्न बनेगा। मुझे बहुत खुशी है कि योगी जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश की एक समय ख्याति यह थी कि यह बीमारी प्रदेश है, पर आज परिस्थिति बदल रही है और उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, और इसी विकास में, उत्तर प्रदेश का विकास करते समय स्वाभाविक रूप से ये इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, औद्योगिक विकास होना चाहिए, इसके लिए निश्चित रूप से अच्छे रोड की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सबके सामने ये उद्दिष्ट रखा है कि हमें 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनानी है, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, सुखी समृद्ध संपन्न और शक्तिशाली हिंदुस्तान, ये हमारा सबका सपना है। और ये अगर हमको करना है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई तो मोदी जी ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दी, और मेरे ऊपर जो दायित्व आया रोड मिनिस्ट्री का, मुझे खुशी है कि आज ये 9 साल में मुझे रोड मिनिस्ट्री, शिपिंग एंड पोर्ट, इनलैंड वाटरवे, जो अलग अलग प्रकार की इस डिपार्टमेंट को देखने का मौका मिला, इसका जब हिसाब किया तो 50 लाख करोड़ रुपए के कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं ये मानता हूं कि ये काम करने से निश्चित रूप से लोगों का जीवन सुसह्य बनेगा, समय बचेगा, प्रदूषण कम होगा। मैं जब शुरुआत में बता रहा था
तो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि दिल्ली से डेहराडून जाने के लिए 9 घंटे लगते हैं। मैंने कहा 2 घंटे में जाएंगे, दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में जाएंगे, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में जाएंगे, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में जाएंगे, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.25 घंटे में जाएंगे और चंडीगढ़ से मनाली जाने के लिए 9 घंटे लगते थे। अब हमने टनल बनाई है, उसका उद्घाटन कर रहे हैं, अब 3 घंटे में होगा। बेंगलोर से चेन्नई जाने के लिए 6 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होगा और मैसूर से बेंगलोर 1 घंटा 10 मिनट में होगा। ये जो परिवर्तन हो रहा है ये हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत मददगार है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होगा तब तक करीब 5 लाख करोड़ रुपए के काम हम उत्तर प्रदेश में समाप्त करेंगे और कुछ कार्यों का शुभारंभ करेंगे। 5 लाख करोड़, मेरा विश्वास है कि 2014 से 2023 तक 6000 किलोमीटर के रोड का काम हमने पूरा किया जो 1.5 लाख करोड़ का है। करीब 1.25 लाख करोड़ का 3000 किलोमीटर का काम चल रहा है और करीब 80000 करोड़ का 3500 किलोमीटर के डीपीआर बन रहे हैं और करीब आने वाले फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग में 1,50,000 करोड़ की लागत की 120 परियोजनाएं पर हम अध्ययन कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश के रोड अच्छे बन रहे हैं। मुझे याद है मैं एक बार जब उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आया था तो हमारा काफिला जा रहा था तो एक हीरो होंडा पर अपने पत्नी को लेकर एक जवान लड़का जा रहा था और पीछे मुड़कर देख रहा था तो मेरे साथ बैठे हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपको देख रहा है। तो मैंने कहा मुझे नहीं देख रहा है, वो ये देख रहा है कि इतने गड्ढे हैं रोड पर कि पत्नी है कि गिर गई, हाथ लगाकर देख रहा है, ऐसे रोड थे। पर मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार आई, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार आई और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बनी है, बदली है। मुझे बहुत खुशी है कि आने वाले समय में मेरे पास काफी लंबी लिस्ट है पर मैं सबके लिए समय देना इतना समय भी नहीं है। पर एक बात निश्चित रूप से कहूंगा कि हमारे ज्येष्ठ नेता राजनाथ सिंह जी ने जब मैं यहां आया था तब उन्होंने जो जो ब्रिजेस की मांग की थी उस समय मैंने उसकी घोषणा की थी और आज मुझे खुशी है कि उसके उद्घाटन में आने का मुझे मौका मिल रहा। और एक बात है कि उन्होंने आज भी कुछ बातें मुझे बताई है, इसमें से मैं घोषणा कर रहा हूं, लखनऊ में गोसाईगंज बनी मोहन मार्जिन लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में आरओबी बनाने के लिए, फिर दूसरा सीतापुर आरओबी बिटवीन बिस्वन एंड सीतापुर स्टेशन सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में, सीतापुर में आरओबी है, वैसे मैंने 20-22 आरओबी मंजूर किए हैं, ये 3। और इसके साथ साथ विशेष रूप से और एक मांग की गई है कि हमारे यहां जो ये जो आरओबी है विशेष रूप से ये भी एक महत्वपूर्ण है, लखनऊ सीतापुर रोड पर सिगौली कस्बे में इसको भी मैं आज ब्लैक स्पॉट है उसकी मंजूरी कर रहा हूं और इससे नैमिषारण्य तीर्थ को जाने के लिए भी बहुत आसानी होगी। इसके साथ साथ ये राजनाथ जी ने एक फ्लाईओवर मांगा है इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा पर, मुझे लगता है कि आप सबकी मांगे उन्होंने मेरे सामने रखी, उनकी मांग को नहीं बोलने का कोई कारण ही नहीं, उसको भी मैं मंजूर करने की घोषणा कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से लखनऊ का रिंग रोड जिसका राजनाथ सिंह जी के कहने पर ही जिसकी शुरुआत की थी, काफी पैकेजेस में काम हो गया है। एक पैकेज में थोड़ी अड़चन आई थी, हमने कॉन्ट्रैक्टर को बदला है और आने वाले अक्टूबर के पहले मैं राजनाथ सिंह जी के साथ योगी जी के साथ फिर से एक बार आऊंगा
और लखनऊ रिंग रोड का भी शुभारंभ करूंगा।